नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही सिंपल सा टीएलएम लेके आए हैं, या आप बोल सकते हैं सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जब टीचर बच्चों को एक लाइट या प्रकाश के बारे में जब पढ़ाते हैं तो उनका एक पार्ट होता है लेंस और मिरर। और ये लेंस और मिरर में क्या होता है ना, एक पार्ट होता है जैसे कि हम लोग डिस्कशन करते हैं कंटेंट का, ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। तो इसको बताने के लिए आज हम एक बहुत ही सिंपल सा टीएलएम लेके आए हैं। ओके, तो ये है वो जो टीएलएम है जिसको मैंने बहुत ही सिंपल गत्ते या आप कार्टून बोल सकते हैं, इस कार्टून के पेपर्स के मदद से ही बनाया है। और ये टीएलएम कैसे बनाएंगे और इसका यूज कैसे करेंगे, दोनों चीज आज हम बताने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सो इसको जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी वैल्यू नजर आता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हमारे मॉडल। एक थिक पेपर लेना है, इसके बाद साइज के मुताबिक हमें मार्क कर देना है। 3 पॉइंट स्लेट के लिए लाइन खींच लेना है। मिडिल वाले लाइन के हिसाब से हमें प्रिंसिपल एक्सिस या लेंस स्लॉट को बीचों बीच बना लेना है। इसके बाद बाकी जो पोर्शन है उसको हमें कटर के मदद से काट कटा लेना है स्लॉट के लिए। अब हमारा ये स्लिट कार्ड रेडी है और बोर्ड भी रेडी है। स्लिट कार्ड को हम इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। लेंस स्लॉट में हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस को लगा सकते हैं। मिरर के लिए हमें स्लिट कार्ड को पोजीशन चेंज करना होगा और लेंस की जगह मिरर। धूप में दिखाने से इसमें रे बनता है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। मैं जब धीरे धीरे इसको बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं पैरेलल बीम एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज हो रहा है, जो रे है वो कन्वर्ज हो रहा है। अगर मैं कॉनकेव लेंस लेता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पैरेलल रे है वो बाहर की ओर जा रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कौन सा लेंस कन्वर्जेंट है कौन सा डाइवर्जेंट है। अगर मैं लेंस की जगह मिरर लूँ, कॉनकेव मिरर मैंने लिया है, तो आप देख सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद सामने की ओर एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कन्वर्जेंट हो रहा है कॉनकेव मिरर। वहीं पे मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर लूँ तो आप देख सकते हैं ये डाइवर्जेंट इन नेचर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और यूजफुल भी हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।